मेरी ऊर्जा के स्रोत साथियों, आज मैं इस वीडियो में कुछ कड़वी सच्चाइयाँ लेकर आई हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को मेरी आज की ये बातें पसंद ना आएँ कि मैंने नाटो को क्यों न्यूरोटिक कह दिया, क्यों उसको ट्रेटर कह दिया, क्यों उसको एरोगेंट कह दिया। लेकिन जो मुझे लगता है, मैं आज आप सबके साथ अपने विचार बांटने के लिए आई हूँ और मैं अंत तक आपको ये साबित कर दूँगी, ज़बरदस्ती साबित नहीं करूँगी, पूरे तर्क और तथ्यों के साथ ये साबित कर दूँगी कि यदि मैं नाटो को न्यूरोटिक बोल रही हूँ, एरोगेंट बोल रही हूँ, ट्रेटर्स बोल रही हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इतिहास गवाह है इसके पीछे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास कह रहा है। बनने में सदियाँ गुजर गई, बिखरने में कुछ पल, आदमी को देख लगता नहीं आई है उससे कुछ अकल। जो कल बोई थी वही कट रही है फसल, और जैसी बो रहे हैं अब वही उगाएगी कल। साथियों, मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे, भगवान करे ये यूक्रेन का और रूस का विवाद समाप्त हो जाए और युद्ध ख़त्म हो जाए। लेकिन लगता नहीं, आज तो ऐसा नहीं लगता है। आज युद्ध का 11वां दिन है, यूक्रेन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, युद्ध और आगे बढ़ता जा रहा है और युद्ध की आग में घी डाला जा रहा है। ठंडे छींटे नहीं डाले जा रहे, घी डाला जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो इस यूक्रेन और रूस के युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु बना गया है। शुरू से हम ये देख रहे हैं कि बांबी में हाथ तू दे और मंत्र मैं पढ़ूं, यूक्रेन से बेचारे से बांबी में हाथ डलवाया और खुद ने मंत्र पढ़े, और जब युद्ध शुरू हो गया तो खुद हाथ झटक के अलग खड़ा हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँ कि हाथ झटक के अलग खड़ा हो गया, पीछे से सहायता दे रहा है, लेकिन हाँ उस तरीके से नाटो के साथ नहीं खड़ा है जो कि यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा है जो यूक्रेन उसे आशा कर रहा था। और वो यूक्रेन के साथ खड़ा होने के बजाय केवल एक व्यापक मीडिया हथियारों का इस्तेमाल करके सिर्फ प्रोपेगेंडा कह रहा है, झूठ परोस रहा है चारों तरफ। युद्ध में बहुत झूठ चलते हैं और इस युद्ध में भी बेहद इस युद्ध में भी बेहद झूठ चल रहे हैं। लड़ाइयाँ वहाँ हो रही हैं, दुकानें यहाँ खुल गई हैं, मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी खबरें बिक रही हैं, होड़ा होड़ी मचा कर सनसनी घोली जा रही है और एक ही बात सुर बदल बदल कर बार बार बोली जा रही है, बिना परों के काले कौवे उड़ाए जा रहे हैं। कुछ सच हैं और कुछ झूठ बुलवाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद जेलेंस्की ने ये वाली बात कही है कि नाटो ने हमारे साथ कितना धोखा किया है। आज नाटो उनके साथ नहीं है, जेलेंस्की बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें और नहीं तो ये युद्ध की आग पूरी यूरोप तक फैल जाएगी। नाटो की यूक्रेन का साथ ना देने की, सेना ना भेजने की जो वजह उन्होंने बताई कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनसे मांग की थी कि इसको लोअर फ्लाई एरिया घोषित कर दिया जाए, नाटो ने उसके लिए भी कोई खास प्रयास नहीं किया। एक यूक्रेनी विश्लेषक ने कहा कि उनके देश ने दुनिया से एयर कवर के लिए भीख मांगी, लेकिन वह भी उन्हें कभी नहीं मिले, केवल उन्हें वादे मिले जो नाटो ने कभी उनके साथ पूरे नहीं किए। और ये जो धोखेबाजी वाली बात है वो नाटो ने केवल यूक्रेन के साथ ही नहीं किया है, बल्कि ये धोखा, बहुत बड़ा धोखा उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मतलब पूरे रूस के साथ भी धोखा किया है। मैं अब इस वीडियो में आगे आपको डिटेल से बताऊंगी कि वो धोखा कैसे किया है। मैं आपको बता दूं, जब रूस बिखर गया था तो ये इन्होंने वायदा किया था कि हम रूस के जो अलग हुए क्षेत्र हैं उनको अपने उसमें नहीं मिलाएंगे, और ये सारे के सारे देश, यूक्रेन, रूस, ये सब मतलब सारे ही सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसके सब सदस्य थे और सब भाई बहन की तरह रहते थे, और जिसमें रूस बड़े भाई की भूमिका निभाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवार तो 1991 में ही फूट चुका था, लेकिन उसके बाद जो दूसरे ट्रेटर्स, दूसरे जो फ़ायदा उठाने वाले थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से दो बिल्लियों के लड़ाई में और बंदर फ़ायदा उठा रहा है, उसी तरीके से इन आपसी फूट में, इस परिवार के फूट में और नाटो ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया, और वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मतलब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहती हूँ, पीछे लेके जाना चाहती हूँ, तब हम इस आज की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे कि वास्तव में रूस कितना गुनहगार है और नाटो की क्या जिम्मेदारियां थी जो उसने नहीं निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम सब जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधे मिलाकर ध्रुवीय राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था,
और ये रूसी था जिसने कि जर्मनी को घुटने पर ला दिया था और जर्मनी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया था। तो उससे रूस की एकदम एकाएक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी ताकत दुनिया में काफ़ी रिकग्नाइज हुआ रूस और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किंतु जैसे युद्ध समाप्त हुआ ना तो इनमें आपसी इन्हीं मित्र राष्ट्रों में आपसी फूट पड़ गई और इनके मतभेद उत्पन्न होने लगे और ये मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए कि भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई, एक खेमा साम्यवादी और एक खेमा अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था और जो साम्यवादी है उसका नेतृत्व रूस कर रहा था। ये सारी स्थितियों को देखकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस ने अपनी सेनाएं यूरोप में तैनात की थी उसने अपनी सेनाओं को वहां से हटाने से मना कर दिया। असलियत में रूस भी ये चाहता था कि वो अपने साम्यवादी शासन की स्थापना पूरे यूरोप में विस्तार करना चाहता था, अपने साम्यवादी विचारधारा का विस्तार करना चाह रहा था। तो उसके मन में भी ये एक भावना थी कि मैं यूरोप को अपने कब्जे में कर लूँगा और उसने अपनी सेनाएं नहीं हटाई। अमेरिका ने रूस की इस नीति का फ़ायदा उठाया और उसने साम्य विरोधी नारा दिया और सारी दुनिया को और विशेषकर यूरोपीय देशों को साम्यवाद का खतरा बताकर उन्हें सावधान किया और उन लोगों को एक ऐसे सैनिक संगठन बनाने के लिए तैयार कर लिया जो उनकी सुरक्षा करें। तो इस प्रकार अमेरिका ने इस सुरक्षा की स्थिति को अपने हाथों में ले लिया और सैनिक गुटबंदी की दिशा में एक शक्तिशाली कदम उठाते हुए और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नेटो की स्थापना की। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण मतलब देशों के आपसी झगड़े किस तरीके से पूरे विश्व में छा जाते हैं, क्यों वो विश्व युद्ध में बदल जाता है, वो ये सैनिक संधियों के कारण। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति पर यदि आक्रमण होता है तो उस गुट में शामिल सभी व्यक्ति उस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से कोई छोटी सी तनाव की स्थिति या कोई छोटा सा युद्ध पूरे विश्व युद्ध के रूप में बदल जाता है। लेकिन हमने शिक्षा नहीं ली और इस तरीके की सैनिक गुटबंदी दोबारा से की गई और नाटो की स्थापना हुई, जो कि एक मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ही गलत थी। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने विश्व की शांति स्थापित करने के लिए एक यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित कर रखी थी। तो आप यदि सैनिक संगठन बना रहे हैं इसका मतलब यह क्या है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास नहीं है, आप अपनी चौधराहट एक अलग स्थापित करना चाहते हैं, हर देशों से के साथ मिलकर नहीं बल्कि एक अपनी अलग दादागिरी करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये सैनिक संगठन बनाया, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है और अमेरिका ने उसी का फायदा उठाते हुए और 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में इस नेटो का संधि का जो मसौदा था उसको पास किया और उस पर लगभग 12 देशों ने हस्ताक्षर कर लिए और उनमें एक तो अमेरिका और कनाडा, ये दो नॉन यूरोपीय देश थे, बाकी फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे और पुर्तगाल, ये 12 इसके संस्थापक देश थे। और इन्होंने इसको जो सोवियत यूनियन थी उसके विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में इसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। नेटो ने अपने बनने के बाद स्पष्ट घोषणा की थी और इसका उद्देश्य भी यही था कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से यदि किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नेटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, सहायता करेगा और सब मिलकर उस युद्ध का मुकाबला करेंगे। अब समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से कोई छोटा सा एक युद्ध होता है और उसको किस तरीके से विश्वव्यापी बना देने का काम करते हैं ये सैनिक संगठन, ये सैनिक संधियां। और इसीलिए रूस आज इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए इसी क्लॉज के कारण जो नेटो है वो यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहा है, मतलब एकदम खुलकर साथ नहीं दे पा रहा है, अपने सैनिक नहीं भेज रहा है, लेकिन वहाँ पीछे से वो जो कुछ कर सकता है, जो इतनी गंदगी फैला सकता है, जितनी राजनीति खेल सकता है, जितने षड्यंत्र रच सकता है, वो सब वो रच रहा है, ये हम देख रहे हैं। बहरहाल मैं आपको नाटो के बारे में बताना चाहूँगी कि इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च आप जानते हैं दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से भी अधिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खुद उठाता है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली इन सब लोगों का 15% है। अमेरिका इस नाटो की बैकबोन कहा जाता है, इसीलिए अमेरिका की इस नाटो में खूब चौधराहट चलती है, सारी दादागिरी और सारा जो नेतृत्व वो अमेरिका के हाथों में है।
तो नाटो एक रक्षात्मक सैन्य संगठन के रूप में इसका जन्म होता है। और मैं सही बताऊं, आरंभ में इस संगठन की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, ये मात्र एक सैनिक और राजनीतिक संगठन से अधिक कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसने अपना जाल फैलाना शुरू किया। मतलब मैं यूं ही मैंने नाटो को नेरोटिक या ट्रेटर्स और एरोगेंट नहीं कह दिया, मैं आपको बता रही हूँ। 1950 में कोरिया के, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का जो युद्ध हुआ, जबरदस्त जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने इस नाटो ने खूब आग दी। और इसके बाद इसको ये, मतलब इस युद्ध ने इसको प्रेरक का काम कर दिया और बस इन लोगों ने अपनी चौधराहट शुरू कर दी। अमेरिका के सर्वोच्च कमांडर के दिशा निर्देश में एक इंटीग्रेटेड सैन्य रचना का निर्माण हुआ। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले महासचिव बने लॉर्ड इश्मे, और उन्होंने इस संगठन का उद्देश्य बताते हुए क्या कहा था, आपको इनके मंसूबे क्लियर हो जाएंगे उस उद्देश्य की टिप्पणी को जब आप सुनेंगे। उन्होंने इसका बताया था, रूसियों को बाहर रखना है और अमेरिकियों को अंदर रखना है और जर्मनों को नीचे रखना है। अभी अंदाज लगा लीजिए कितने एरोगेंट थे ये, कितने एरोगेंट थे, कितने न्यूरेटिक थे। केवल इस ये कि पूरे विश्व में हमारी सत्ता छा जाए और फिर पूरे विश्व की दुनिया का हम शोषण इस तरीके से करें, अपने लाभ के लिए, अपने आर्थिक हित साधे, अपने राजनीतिक हित साधे। और सबको इनडायरेक्टली उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद खत्म हो गया था, पर एक आर्थिक साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में छाया हुआ था। और उस आर्थिक साम्राज्यवाद के तहत हम सारी दुनिया को अपना गुलाम बना लें, बस ये नाटो का उद्देश्य था और नाटो के माध्यम से अमेरिका का ये उद्देश्य था। नाटो के स्थापना के बाद विश्व में और विशेषकर यूरोप में अमेरिका और तत्कालीन जो सोवियत यूनियन था, USSR, उनके बीच में खतरनाक मतलब घटनाएं घटने लगी। जब बार बार युद्ध के जो खतरे थे वो मंडराने लगे, तो अब USSR भी कम रहने वाला थोड़ी था, उसने भी नाटो का प्रतिकार करने के लिए 1955 में पोलैंड की राजधानी वारसा में एक साम्यवादी देशों मिलाकर एक सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट की स्थापना की। आप देख रहे हैं वारसा पैक्ट की स्थापना होती है कहाँ पर, वारसा पैक्ट की जो संधि थी वो कहाँ हुई है, पोलैंड की राजधानी वारसा में, उस पोलैंड की राजधानी वारसा में जो आज पोलैंड रूस के विरुद्ध पूरे मजबूती के साथ खड़ा है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं ना कि जो पोलैंड रूस का बिल्कुल बायां हाथ था वो आज रूस के बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा है। क्या करेगा यूक्रेन, यूक्रेन भी इसी तरीके से, यदि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो इसी तरीके से वो रूस का प्रतिद्वंदी, भयंकर मतलब एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बन के उभरेगा। और रूस की खतरा पर, रूस की जो रक्षा है, जो उसकी जो सुरक्षा है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा। और इसके बाद सीटो सेंट्रो जैसे सैनिक संगठनों का भी खूब जन्म हुआ और पूरी दुनिया में शीत युद्ध का माहौल बन चुका था। बर्लिन संकट हम सब जानते हैं, जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, कोरिया का युद्ध, सोवियत रूस के द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिंद चीन की समस्या, यूट्यूब विमान कांड, क्यूबा, ये सारी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने यूरोप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का माहौल गर्म कर दिया था और शीत युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। और इस शीत युद्ध ने पूरे विश्व में आतंक और भय की स्थिति पैदा कर दी थी। मतलब जब हम पढ़ते थे 11, 12 और BA में, तो हम तो शीत युद्ध के रोज ये घटनाएं देखते थे कि आज रूस ने ये किया, आज मतलब दोनों तू डाल तो मैं पात। मतलब 1961 में यदि रशिया अंतरिक्ष में जाता है तो फिर अमेरिका के दिमाग में लग गया, नहीं मुझे भी अंतरिक्ष में जाना है। और वो भी 1968 में झूठा सच्चा जैसा भी है अपने व्यक्ति को चंद्रमा पर भेज ही देता है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ और पूरा यूरोप दो भागों में बट गया। यूरोप मतलब दुनिया तो बटी जो बटी, यूरोप भी दो भागों में बट गया, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। अब जो नेटो है वो अपनी ताकत का और अपने प्रसार का जो एक एजेंडा लेके यूरोप में काम कर रहा है। 1952 में ग्रीस और तुर्की को नेटो का सदस्य बना लिया जाता है, अपना विस्तार कर रहा है। देखो नेटो, देखिए आप किस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है। 1955 में उसने पश्चिमी जर्मनी को भी इसमें शामिल कर लिया। कुछ इनकी आपसी इस तरीके की डिफरेंसेस हुए कि 1966 में फ्रांस ने नाटो से अपने आप को अलग कर लिया, पर नाटो की नौटंकी रुकी नहीं, वो अपने प्रभाव को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करता रहा। शीत युद्ध भयंकर चल ही रहा था। 1982 में स्पेन भी इसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से नेटो के जो सदस्य पहले 12 थे, अब 16 सदस्य हो गए। अब हम क्या देखते हैं कि शीत युद्ध का ही प्रभाव था वो, और गोर्बाचोव की कुछ नीतियाँ थी या जो भी है वो, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे।
हम देख रहे हैं कि उन दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है। अब जब यूएसएसआर का पतन हो जाता है तो जिस मकसद से नेटो बनाया गया था, किस मकसद से बनाया गया था कि यूएसएसआर की जो सोवियत विचारधारा है उसको हमें रोकना है, तो होना क्या चाहिए था, नेटो का मकसद खत्म हो गया था, नेटो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उधर यूएसएसआर खत्म हो गया था तो वारसा पैक्ट भी खत्म हो चुका था, पूरी दुनिया एक ध्रुवीय बन गई थी, अमेरिका केवल एक महाशक्ति के रूप में बचा हुआ था और युद्ध भी समाप्ति की ओर था, तो नेटो समाप्त होना चाहिए था। पर अमेरिका ने नाटो को बिल्कुल भी भंग नहीं किया, उल्टा उसने अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का और ज़्यादा विस्तार होता ही चला गया, जबकि इस समय अब नेटो की मौजूदगी का कोई औचित्य था नहीं, समाप्त होना चाहिए। और हम ये भी देख चुके हैं कि युद्ध से पहले ही ये चीज़ शुरुआत हो गई थी कि किस तरीके से अधिक से अधिक देशों को नेटो का सदस्य बनाया जाए। रूस एक महाशक्ति के रूप में बिखर चुका था, वो बेचारा अपना गम और गुस्से में खुद को संभाल रहा था। मतलब यदि इतिहास पढ़ें तो हमें ये भी समझ में आता कि अमेरिका चाहता तो रूस को भी वो अपने ही गुट में शामिल कर लेता, नेटो में शामिल कर लेता, क्योंकि उस समय रूस बहुत ही कमज़ोर सा हो गया था। लेकिन अमेरिका की शीत युद्ध वाली मानसिकता कभी बदली नहीं, वो जो बिखर गया था रूस, उस रूस को भी हमेशा यूएसएसआर की मानसिकता से ही देखता रहा, वो उसे हमेशा साम्यवाद विचारधारा के रूप में अपने एक विरोधी और दुश्मन के रूप में ही देखता रहा और रूस की घेराबंदी करता रहा। मैं यहाँ आपको एक मुख्य रूप से बात बता दूं, जो मैंने पहले भी बताई थी कि क्यों मैं नाटो को ट्रैटर बोल रही हूँ, कि जब धोखेबाज बोल रही हूँ, कि जब रूस का बिखरा हुआ था, रूस बट गया था अलग अलग भागों में, तो नाटो ने यह वायदा किया था कि सोवियत यूनियन से अलग हुए किसी भी देश को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन क्या ये सच रहा? क्या नाटो अपनी बात पर रहा? अब अपने बात पर नहीं रहा, रहने वाला भी नहीं था, उसने वादा तोड़ दिया। और युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो ने 1999 से लेकर 2020 तक 14 सदस्य और जोड़ दिए नाटो में, और भी देशों को जोड़ता चला जा रहा था, जिसमें यूक्रेन भी उसकी टॉप मोस्ट लिस्ट में था। 1997 में 3 वारसा संधि वाले देश, हंगरी, चेक गणराज्य और पोलैंड, नाटो के से को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को नाटो में शामिल कर लिया गया। और तीनों ही, मैं आपको बता दूं कि ये रूस की सीमा पर हैं और ये यूएसएसआर के बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाले देश थे, और वहाँ पर नाटो की घुसपैठ हो गई। अब ये तो रूस के लिए खतरे वाली बात ही है ना, क्योंकि इस तो सभी को मालूम है कि अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के मतलब विरोधी हैं भयंकर, और जब आप उसके आसपास जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कोई आरती उतारने तो नहीं जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने ही जा रहे हैं। 1999 में चौथे विस्तार के बाद नेटो ने अपनी लॉबिंग लगातार जारी रखी, लेकिन और 2001 में एक नई घटना और घट जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद नाटो एक नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उसके तहत उसने अफगानिस्तान और इराक में अपने प्रशिक्षकों की तैनाती कर दी, और फिर नेटो की और ज़्यादा विस्तार करने में लग गया। 2004 में उसने 60 नए देश, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया, स्लोवेनिया को भी नाटो का सदस्य बना लिया। इस तरीके से नाटो की अब सदस्य संख्या हो गई 26। और यूक्रेन पर भी पूरी तरीके से डोरे डाले जा रहे थे कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि यूक्रेन तो बिल्कुल रूस की सीमा पर है, और यदि यूक्रेन में नाटो घुस जाता मतलब रूस में नाटो घुस गया। तो केवल नाटो पर नाटो ही डोरे नहीं डाल रहा था, 2008 से खुद जो यूक्रेन है वो अपनी मिलीभगत से नाटो का सदस्य बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूक्रेन की सदस्यता कार्य योजना पर बहुत जोर दिया, लेकिन और उसी समय बन गया होता नाटो का सदस्य, पर जर्मनी और फ्रांस ने इस कदम को रोक दिया। और जेलेंस्की बार बार नाटो में शामिल होने की बात करते रहे हैं, हमने सुना है, बार बार नाटो का बखान करते रहे हैं वो, लेकिन कि वो हमेशा यूक्रेन का साथ देंगे और यूक्रेन को नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए और हमें सदस्य बना लेना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, जब भी सदस्यता की बात आई उसकी सदस्यता को टाल दिया गया। और आज हम क्या देख रहे हैं कि आज वो नाटो देश जेलेंस्की का उतना साथ नहीं दे पा रहे, मतलब
केवल बर्बाद तो कर दिया, पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, और उसके पीछे सिर्फ नेटो और सिर्फ नेटो ही है। ना नेटो उसको इस तरीके से उकसाता, ना रूस और यूक्रेन के भाईचारे में कोई दरार पड़ती, और ना ये युद्ध होता, ना यूक्रेन सत्यानाश होता जो आज हम देख रहे हैं। तो यूक्रेन तो उस समय शामिल नहीं हो पाया, पर 2009 में क्रोशिया और अल्बानिया को इस सदस्य नेटो की सदस्यता मिली, और नेटो की संख्या 26 से बढ़कर अब 28 हो गई। अब इस प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर रूस का चिंतित होना लाजमी था। उसने 2014 में क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया, और जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया तो नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी। और उपस्थिति बढ़ाने में क्या किया उसने कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड में ये चार मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप तैयार किए, और ये बैटल ग्रुप यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। और उनकी उपस्थिति ये तय कर देती है कि यदि किसी एक सहयोगी पर हमला होता है तो पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से जो नेटो है वो रूस की घेराबंदी कर रहा है। 2014 से पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सेनाएं नहीं थी, और इसीलिए रूस ने आसानी से यूक्रेन के पे क्रीमिया पे अपना अधिकार कर लिया, और यूक्रेन की उस समय उन्होंने मदद भी नहीं की। यूक्रेन ने उसके बाद और भी ज़्यादा मुहिम तेज कर दी कि वह नाटो का सदस्य बन जाए, और रूस सिर्फ इसीलिए क्योंकि अपनी सुरक्षा वो चाहता था, इसलिए वो यूक्रेन में को की नाटो सदस्यता की बहुत विरोध था। मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगी, आपके घर के आगे कोई गटर खोल दे पड़ोसी तो आपको क्या लगेगा? मना नहीं करेंगे आप? राज्य से मना करेंगे? राज्य से नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? सख्ती अपनाएंगे ना। वही किया है रूस ने। यूक्रेन में यदि नेटो आ जाता है तो सीधा रूस के सुरक्षा पर बात बन जाती है, और अपने हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, और सबको मालूम है कि यूक्रेन में यदि नेटो आएगा तो वो क्यों आ रहा है, उसका क्या मकसद है? रूस की सुरक्षा में सेंध लगाना, रूस को इनडायरेक्टली अपने प्रेशर में लेना। तो रूस का एक जायज पॉइंट है कि वो यूक्रेन की नाटो सदस्यता के विरुद्ध है। 2017 में मोंटेनेग्रो और 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया को भी नाटो का 30वां सदस्य बना लिया जाता। इस तरीके से नाटो अपने पैर पसारता ही जा रहा है, और निश्चित रूप से ये प्रसार रूस को एक आशंका या इस संभावना से घेर देता है कि भविष्य में नाटो रूस के ऊपर कब्जा कर लेगा, या रूस के जो सुरक्षा की जो प्रणाली है उस पर कब्जा कर लेगा। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि यदि रूस यहाँ तक आ जाता है तो वो निश्चित रूप आसानी के साथ वो अमेरिका आसानी के साथ रूस की सारी सुरक्षा प्रणाली को अपने निशाने पर ले लेगा। इसलिए जो रूस है वो यूक्रेन की नेटो की सदस्यता का विरोध करता रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं नेटो के बारे में कि क्यों मैंने इसको न्यूरोटिक बोला है, क्यों ट्रेटर्स बोला, क्यों मैंने इसको एरोगेंट बोला है। एक बात मैं आपको बताऊं कि नेटो की भूमिका शांति स्थापना और आपसी सहयोग, और इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है ये तो शांति स्थापित करना और आपसी सहयोग स्थापित करना। आपके बीच में चौधरी बन रहे हैं। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई है, और जिसका उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है। नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई है, किंतु इसके बावजूद ही अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना के लिए नाटो यूएनओ में पूरे यूएनओ के समानांतर अपनी भूमिका निभा रहा है, जो कि एक मतलब पूरे दुनिया की शांति के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज आपको नेटो की पूरी भूमिका बताई, पूरा इतिहास बताया कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सही जानकारी को सारी दुनिया तक फैलाएं। थैंक यू सो मच।